नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पीएसटेट 2 का जो एग्ज़ाम है वो अब 30 अप्रैल को होगा। इसके अलावा जो पीएसटेट 1 का एग्ज़ाम है उसके संबंध में भी एक जो नोटिफिकेशन है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी जो वायरल है वो हो रहा है। तो उसके संबंध में आपको बताते हैं कि क्या वो जो नोटिफिकेशन है वो सच है या फिर फेक है। तो इस नोटिस में आप देख सकते हैं, ये जो पब्लिक नोटिस है ये 11 अप्रैल 2023 को जारी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एससीईआरटी की तरफ से यहाँ पर जो हेडिंग है वो दिया गया है। इसके अलावा जो दफ्तर है उनकी जो वेबसाइट है उसका भी यहाँ पर जो मेंशन किया गया है। इसके अलावा 11 अप्रैल को जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है उसके संबंध में बताया जाता है यहाँ पर कि जो पीएसटेट 1 का पेपर है वो 30 अप्रैल 2023 को सुबह 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। इसके लिए जो कैंडिडेट हैं वो इसकी जो अपडेट है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहें, और नीचे यहाँ पर डायरेक्टर एससीईआरटी की जो स्टैम्प है जो साइन है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऐसा कोई भी लेटर जो है वो एसएसए पंजाब पर या इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएसटेट 2023 ORG पर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो फिलहाल अभी जो पीएसटेट 2 का जो एग्ज़ाम है वही होगा 30 अप्रैल को। पीएसटेट के 1 के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है या कोई जो अपडेट है वो अभी तक नहीं आई है। फिलहाल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके साथ जो यूनियन की मीटिंग है वो लगातार हो रही है, और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम इस पर जो काम चल रहा है, इस पर जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी या कोई नोटिफिकेशन आएगा या किसी भी तरह की कोई जानकारी आएगी तो हम भी आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर अपडेट कराएंगे। तो फिलहाल ये जो नोटिस है, ये जो पब्लिक नोटिस है, ये बिल्कुल फेक है। तो फिलहाल अभी सिर्फ पीएसटेट 2 का एग्ज़ाम होगा, पीएसटेट 1 का एग्ज़ाम नहीं होगा। उसकी जो आंसर की भी आ चुकी है, बट फिर भी यूनियन की तरफ से बार बार डिमांड की जा रही है कि जो पीएसटेट 1 का एग्ज़ाम है वो भी दोबारा से लिया जाए। और अगर कोई डिपार्टमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं आता है तो एक बार फिर से यूनियन की तरफ से जो संघर्ष है वो किया जाएगा एग्ज़ाम को दोबारा करवाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल यही अपडेट है। इसी तरह की और भी अपडेट जानकारी लेने के लिए बने रहेगा हमारे साथ। मिलेंगे हमारी किसी नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।